हाँ नासबीयत यानी नासबी जिनको कहते हैं। मेरा ख्याल है कि सवाल आपका बड़ा तारीखी सा है, एक पे ही रहिएगा, एक पर ही रहिए, इसको हल कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे। नासबीयत इस्लाम का कोई ग्रोह नहीं, ना कोई ऐसी इबादत जो दो मसल के हो गए ना हुकूमत वक्त के हामी हो गए और उन्होंने अहले बैत से दुश्मनी को अपना ईमान बना लिया कि हजूर के खानदान से होना कोई इज्जत नहीं, असली अली और दूसरे जाना कोई शायद नहीं है और उनको बड़ा कहने लगे, दाम करने लगे, बल्कि उनमें से कई नाम रातों ने किताबें भी लिखी है। कब्र में नासबी हुआ, उसने कहा कि हजरत फातिमा को तो मारा ही अली ने, इसीलिए रात दफन किया कि लोगों को पता ना चले वो नया निकाह करना चाहता था, हजरत फातिमा रुकावट थी उसने खत्म किया और बगैर इतना ऐसे बेईमान लोग हुए हैं। और कालियो बकरे मनरबी भी उनका रुझान अपनी किताब में सिर्फ यजीद की मैं तक बढ़ना हुआ है सुन्नत से तफसीर में उन्होंने बिल्कुल कहा कि हक अली के साथ ये जितने जो उनसे लड़ाई उनसे करती हुई है ये किसास लेने का कोई तरीका कि खलीफा के पास ना करो और फौजें लेकर चलो। तफसीर हकाम वो भी नहीं नासरी, बहुत थोड़े लोग हुए मगर अंदर अंदर बहुत से हैं जो सुन्नी बने रहते हैं मगर दुश्मनी करते हैं इमाम हुसैन से यजीद वगैरह की हिमायत करते हैं। इनको शाह वजीर अहमदुल्ला लिखते हैं कि ये राफजियों से बदतर है, राफजी तो बड़े मुसलमानों का ग्रोह है, वो अहले बैत की मोहब्बत में जरा आगे निकल गया, ये बेईमान दुश्मन है अहले बैत, ये कोई मुसलमान ग्रोह नहीं ना कोई तरीका। जब हजूर ने फरमा दिया कि अली तू तो दुश्मनी करेगा वो मुनाफिक होगा, तुझसे मोहब्बत करने वाला मोमिन होगा, सब मुसलमान इसको मानते हैं, तो नासबी कोई ग्रोह नहीं बेदीनों का एक टोला। ये मैंने जैसे जिक्र किया ना, मैं कहते जल में क्या रखना, बस वो थोड़ी सी गलती खा गया कि दुश्मन नहीं हुए बैठते बहुत अच्छे लोग हैं, फिर ये जो वो सदीस की बात है ना समझते हैं कि वो बख्शिश का वादा हुजूर है, तो मैं अपनी जनती हो गए जो भी कसूर थे इनके माफ हो गए। ये कादियो बकरे नरबी जिनका मैंने नाम दिया उनकी किताब जो थी अलवासन उसमें उन्होंने ये बातें लिख ली थी, हजरत मुआविया को तो कहा कि वो गलत थी क्यों हजरत अली से लड़े किताब का ये कोई तरीका, मगर यजीद के बारे में कुछ डग मना कि उसके बारे में जो बातें लोगों ने करी हैं वो बुरा कोई नहीं था, उसने तो जंग लड़ी उनकी ये बातें लेकर चल पे डॉक्टर सरार साहब भी डॉक्टर जाकिर नाइक लड़की हो गई, इलम नहीं हर एक के पास इतना होता, नीतें नहीं इनकी बुरी ना ये दुश्मन आने वाले बैठ थे मोहब्बत करता।